नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया और मेरे साथ हैं मिर्जापुर के वो कलाकार जो एक से बढ़कर एक नगीने हैं और उनको तराशने में पता नहीं किन किन लोगों ने बहुत मेहनत की है। आप तीनों का स्वागत है, रसिका, विजय और पंकज जी। नमस्ते, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड हेल्दी एंड पिंक ऑफ द हेल्थ सो फार। हाँ, आगे का क्या कहा जा सकता है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत बोलिए। चलिए रसिका जी, आपसे शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ गई थी। फर्स्ट टाइम भी मैंने देखा था तब आपको गुस्सा आ रहा, लेकिन इस बार तो बिल्कुल अच्छे से आप लोगों ने आपने अपने कैरेक्टर को वो रंग दिया है जहां पे जैसे को तैसा किया है। क्या क्या रिएक्शंस मिले हैं आपको अभी तक? मिर्जापुर के लिए एक्चुअली इतने सारे रिएक्शंस आते हैं कि और अलग अलग टाइप के रिएक्शंस आते हैं, तो ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि ये टाइप का रिएक्शन सबसे ज्यादा था। लेकिन जो पॉजिटिव चीज मुझे लगी इन रिएक्शंस में वो ये है कि ज्यादातर लोगों ने ये कहा है कि हाँ, औरतों का रोल बहुत अच्छा है इस सीजन में और उनको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मुझे भी ये लगा, एक्चुअली इट्स वेरी नुआंस्ड। ऐसा नहीं है कि पावरफुल वुमन हो तो सिर्फ वो ही पावरफुल होती है जिसने गन उठाया हो, ऐसा नहीं। डिम्पी भी उतनी पावरफुल है जितनी गोलू है, जितनी बीना है, जितनी वसुधा है, यू नो। तो मतलब जो पावर का एक स्टीरियोटिपिकल जो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि सिर्फ जो गन उठाते हैं, सिर्फ जो मारते पीटते हैं वो ही पावरफुल है, वो अंडरस्टैंडिंग बदल गई है। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज। That's really beautiful. विजय की अगर मैं बात करूं या पंकज जी की मैं बात करूं, दोनों, एक तो FTII पास आउट है और एक NSD पास आउट है। जब इतना सारा टैलेंट एक साथ होता है तो मतलब एग्जैक्टली एक्सप्लोजन होता है या विचारों का आदान प्रदान होता है बिहाइंड द कैमरा? मैं भी FTII से हूँ, मैं बता रही हूँ जी। एग्जैक्टली, आप है, ये है, मतलब सभी लोग है भाई। पूरा इकलौता शो है जहाँ मैक्सिमम एक्टर है वो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं। वो ऐसा नहीं है जिम से सिर्फ आ गए, जिम बॉडी बिल्डिंग करके या I understand what you're talking about. अच्छा विनय जी, आप I'm sure आपका जिस तरीके से कैरेक्टर रहा है, एक तो बहुत मतलब मैं इमेजिन नहीं कर रही थी कि एक साथ दो दो लोग दोनों एक जैसे लेकिन दोनों अलग। सो मुझे रिएक्शन तो ये मिला कि यार इनको मारना नहीं चाहिए था, दोनों अच्छे तो थे, क्यों मार दिया? आपको क्या रिएक्शन मिला? ये पुनीत जी जो हमारे क्रिएटर है शो के, उनका एक अलग ही एक किंक है लोगों को मार देने का, तो वो अपना किंक निभाते हैं पूरी तरह से शो में। सर्टेनली पंकज जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से रोल निकल कर आता है बहुत शांत, बहुत सटल, लेकिन बहुत खतरनाक किस्म का है, सो आप इन रियलिटी अखंडा जैसे हैं या आप बहुत एनर्जेटिक हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल वैसा नहीं हूँ मैं। मैं बिल्कुल ही सौम्य साधारण आदमी हूँ और इनर्जेटिक भी हूँ, बट सेम टाइम एक ठहराव है मुझ में। उम्र हो गई 45 साल, लिया घूम लिया, तो अब तो ठहराव नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? सर्टेनली। अच्छा, आपकी बेटी क्या कहती है? I mean, I don't know her age, I think छोटी होगी, लेकिन फिर नाम सुन सुन के क्या कहती है? वो कुछ नहीं कहती है, उसको अपना अपनी दुनिया में रहती है वो। अच्छा, एट द सेम टाइम रसिका, आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारी वेब सीरीज में जब भी मैं आपको आउट ऑफ लव में भी देखा है तो बहुत सर्टेनली द वे यू सेड कि हर बार बंदूक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपकी छवि कितनी आती है बीना में और बीना की कौन सी छवि है या कौन सा ऐसा पार्ट है जो कहीं आप जैसा है? बिल्कुल भी मुझ जैसा नहीं। ना उसकी फिजिकैलिटी में, ना ही उसकी थिंकिंग में, मुझे जब मैंने पहली बार पार्ट पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अलग है, मुझसे बहुत अलग है और जो कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं उनसे भी बहुत अलग है। तो उस वजह से एक्साइटमेंट थी इस रोल को लेने की, लेकिन बिल्कुल हमने कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। लेकिन आप एज एन एक्टर, आप जो भी एक्सपीरियंस करें ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें वो कैरेक्टरिस्टिक या वो चीज है, बस उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना होता है या घटाना होता है। बट कहीं ना कहीं हमने कहीं अपनी जिंदगी में वो सिमिलर चीजें, वो सिमिलर इमोशंस या वो सिमिलर सिचुएशंस का सामना किया होता है, चाहे वो एक सीरीज में डालें और ऐसी कहानी में डालें तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक लगती है और बहुत ही अजीब लगती है और बहुत ही डिसफंक्शनल और बहुत ही डार्क लगती है।
लेकिन हम सबकी जिंदगी में थोड़ी डार्कनेस, थोड़ी डिस्फंक्शनैलिटी है ही, उसकी इंटेंसिटी को बस वो जब आप वो रोल प्ले कर रहे होते हैं उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ाना होता है, मेरा यही मानना है। करेक्ट, आप सही बोल रही है। इसी में रसिका के बात में मैं कुछ एड ऑन करना चाहता हूँ, अनुमति है कि क्या है? हम सब जो है ना, हमारे अंदर वो नाट्य शास्त्र का नौरस है तो वो सब है, हमारे अंदर प्रेम है, गुस्सा है, घृणा है, वात्सल्य है, श्रृंगार है, तो हमारे अंदर गांधी और हिटलर दोनों हैं, तभी हम लोग आदमी हैं हम सब। तो अभिनय में एक अभिनेता के पास ये मौका होता है कि वो अपने भीतर के गांधी को और अपने भीतर के हिटलर को, दोनों को एक्सप्लोर करता है वो, कि और इसके लिए पैसे मिलते हैं हमें। तो ये है, I can totally understand. Very nice. मैं आपसे जाना चाहूंगी गली बॉय, उसके बाद बहुत सारे ऐसे, इनफैक्ट लास्ट टाइम जब मैं मिली थी आप किसी वेब सीरीज के मीटिंग के लिए शायद जा रहे थे गली बॉय के जस्ट बाद में, सो वॉज इट द सेम मीटिंग? अच्छा चलिए छोड़िए, शायद शायद गली बॉय के तुरंत बाद मैंने मिर्जापुरी साइन की थी, करेक्ट हो सकता है। चलिए मतलब वहां से नया, वहां से जो सफर शुरू हुआ वो अभी तक आया है, इस पूरे सफर में कितना हैप्पी और कितना स्ट्रेस्ड रहे हैं, क्योंकि मिर्जापुर सीरीज ऐसी है कि वो हैवी हो जाती होगी शायद, आई डोंट नो, मुझे देख देख के ऐसा टेंशन हो रहा था कि अब क्या है अब क्या है। नहीं नहीं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता है, ये बहुत ही समझदार और बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत क्रिएटिव लोग है जो एक्टर्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, उनका टेक केयर करते हैं, तो एक पैसे का स्ट्रेस नहीं था। इनफैक्ट मेरा कैरेक्टर तो इस सीजन में पहली बार आ रहा है तो पुराना बैगेज भी नहीं था पिछले सीजन का कि क्या हुआ और कैसे किया और लोगों को क्या लगा, तो एकदम फ्रेश स्टार्ट थी और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था, इनफैक्ट बहुत बहुत ज्यादा मजा था इन सब के साथ काम करने का। सडनली स्ट्रेस मतलब अरे बाप रे अब नेक्स्ट सीन क्या है, कुछ क्यूरियोसिटी का स्ट्रेस होता है, I'm talking about that kind of stress. नहीं नहीं खाली एक ही टेक्निकल एक स्ट्रेस होता था जब भी हम लोग मेरे सीन शूट करते थे, क्योंकि मैं डबल रोल प्ले कर रहा हूँ तो बहुत टेक्निकल हो जाता है। पहले मैं एक सीन को एज अ वन ब्रदर बड़े प्ले करता था, पहले मैं खुद ही रिहर्स करता था दोनों को, पहले इसके साथ रिहर्स करता था, पहले मैं फिर यहाँ बैठ के फिर मैं डिसाइड करता था कि ये इस फैशन पे ये करेगा, फिर वो होगा, पूरा डिजाइन करते थे, सब लोग वेट करते थे मेरा, पूरा एक बार डिजाइन हो जाए फिर मैं एक कपड़े पहनता था, फिर पूरा सीन होता था, सारे एक्टर्स को उन्हीं की पोजीशन में बैठा रहना पड़ता था, तब मैं चेंज करके आता था फिर बैठता था, कोई चीज हटती नहीं थी, जब सब जो जहां पर है वहीं पर एकदम उनको मार्क कर दिया जाता था, तो बाकी लोगों के लिए काफी स्ट्रेस था मेरे से ज्यादा, क्योंकि वो लोग बोर हो जाते थे कि यार ये कब तक यही सीन करते रहेंगे, लेकिन लेकिन वो टेक्निकल फिनिश लाना ही चाहिए, क्योंकि एक डबल रोल को आप जस्टिफाई और उसको कितना अच्छे तरीके से आप दिखा सको, तो मुझे तो बहुत मजा आया, मेरी लाइफ का पहला डबल रोल था तो मुझे काफी मजा आया। That's nice. पंकज जी आपसे जानना चाहूंगी, मिर्जापुर की जब भी बात आती है तो एक जनरेशन ऐसे कालीन के लिए या ब्रासवेयर के लिए या फिर मंदिरों के लिए जाना है, अब एक जनरेशन वो आ रही है जिसमें एक और चीज जुड़ गई है मिर्जापुर जो सीरीज है, तो ये जो नया रूप फिल्म्स लेकर आती है किसी सिटी के लिए वो आपको कितना फख्र महसूस कराता है? नहीं मुझे तो, हम तो अभिनेता हैं, मुझे कई बार लोग फ्लाइट में मिले जो मिर्जापुर के थे और बेहद खुश हुए इस बात से, बोले कि यार पहले हम कहीं बाहर जाते थे बॉम्बे या साउथ इंडिया तो हाँ। अपनी आइडेंटिटी में बोलते थे मिर्जापुर बनारस के पास में है, अब हमें ये नहीं बोलना पड़ता है बनारस के पास में है, मिर्जापुर से है, सामने वाला बोलता हूँ अच्छा आप मिर्जापुर, अच्छा बनारस वाले कहते होंगे हम मिर्जापुर के पास बनारस। वैसे भी मिर्जापुर जो है वो कजरी के लिए ज्यादा महत्व फेमस है, कजरी जो गायकी है जी जी का उद्गम मिर्जापुर से हुआ है, आई थिंक अभी तक तो कजरी नहीं, लेकिन सीजन 3 में जरूर बोलूंगा मैं पुनीत को कि कुछ कजरी का भी पार्ट इसमें डालें ताकि वो भी हेरिटेज वहां का दिखे आए कहानी में। हाँ जी कजरी मैंने सुनी है, गिरजा देवी जी की सुनी है, मजा आता है, कभी गए हैं वहां पर शूट के अलावा भी कभी? नहीं हम लोग तो शूटिंग में ही गए हैं, शूटिंग के वक्त थे। तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, वहाँ के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या उनके लिए बहुत नई थी ये शूटिंग देखना, कैसा था? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं था, मतलब अच्छा ही था, बहुत बहुत ही विनम्र पोलाइट लोग हैं,
दरअसल में शूटिंग वाले जहां भी हम जिस शहर में जाते हैं तो 100-200 लोग हम मुंबई से लेके जाते हैं, बाकी टोटल लोकल लॉजिस्टिक वही के लोग होते हैं। तो फिल्म मेकिंग हमारे लिए फिल्म मेकिंग है, सीरीज है, बट सेम टाइम एक रोजगार का जरिया भी है। आप बनारस होते हैं, मिर्जापुर होते हैं, तो वहां के लोकल वेंडर, लोकल कार वाले, लोकल जूनियर आर्टिस्ट, कैटरिंग, तो एक समहाउ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम है। तो हमारी यूनिट में मुझे याद है क्लाइमेक्स के वक्त जो कुछ लोग आए थे वो जगह साफ करने, वो जगह थोड़ी गंदी थी, तो 25-50 लोग आए थे उसको, जहां हमने वो टीला पे हाइट पे उनसे मेरा सीन नहीं होता तो मैं बैठ के उन्हीं से बातें करता था मिर्जापुर के बारे में, वहां के लोकल चीजों के बारे में। अच्छा आपसे जानना चाहूंगी, थोड़ा सा टफ टाइम ही रहा है बिफोर मिर्जापुर, कहा गया था कि एक हैशटैग भी चला था, डज इट इम्पैक्ट यू ऑल, क्या इससे आपको टेंशन होता है या फर्क पड़ता है? रसिका इफ यू कैन, और पंकज जी, हुएवर जो जो बोलना चाहे। देखिए जी, हम जिस दौर में जी रहे हैं ना, ये डिजिटल मीडियम और वर्चुअल मीडियम का दौर है, जहां आपके ऊपर डिपेंड है कि हम लोग अक्सर ये राय देते हैं और ये बनाते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत हंगामे होते हैं। मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया बहुत पॉजिटिव चीज है, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत कमाल की घटनाएं भी वहां होती हैं, बट उसका प्रभाव आपके ऊपर, मेरे ऊपर तो नहीं आता है। मेरे लिए बहुत आसान है लॉग आउट करके निकल आना। लवली कि आप जितना आसान है डिजिटल पे जाना, जितना आसान है जैसे ऑडियंस के लिए किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आके कहानी देखना, उतना ही आसान है कहानी से निकल जाना। तो वैसे ही वो इन सारे मकसदों का मैं नहीं लेता, मैं एक लॉग आउट करके और नमस्ते चला गया एक हफ्ते और। अच्छा विजय, आपसे जानना चाहेंगे जब ये पूरी सीरीज फिल्म खत्म हो जाती है तो क्या ऐसी क्या चीज है जो आप कभी नहीं भूलेंगे अपार्ट फ्रॉम डबल रोल, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बहुत छू कर गई हो, maybe some actor, some incident or इस पर्टिकुलर सीरीज के बारे में मैं बोलूंगा कि इसका जो फैंडम है ना, इसका जो फैन फॉलोइंग है ये अनपैरेलल्ड है। इस तरह का प्यार और इस लेवल पे और इतने तादाद में इजीली नहीं मिलता है, और ये मेरे ख्याल से हम सब ने ऐसी फिल्मों में काम किया है, ऐसी चीजों में काम किया है जिसको बहुत प्यार मिला है, लेकिन मिर्जापुर का हम देखते हैं तो अलग लेवल पे एक एक एक, एक प्यार मिलता है। तो आई थिंक उससे ज्यादा मेरे दिल को कुछ छू नहीं सकता कि एक 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 हम जिस स्टोरी का पार्ट है उसको लोग इतना प्यार करते हैं अपनी उनके। मेरे काफी सारे दोस्त मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, काफी सारे सिवान के लोग मैसेज कर रहे हैं कि आपने सर सिवान का नाम ले लिया और ये हो गया, हम तो बहुत प्राउड फील हो गए, और इस तरह का चल रहा है। मेरे घर से सिवान 25 किलोमीटर दूर है। सिवान से इतने इतने लड़के सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं मुझे कि सर आपने तो सिवान का नाम बना दिया और ये हो गया, तो इट्स लाइक वेरी नाइस, आई फील वेरी गुड अबाउट इट। रसिका, आपसे जानना चाहूंगी, एक पूरी अभी तक टेलीविजन के एक्टर्स एक्ट्रेसेस या सह कलाकार होते थे, फिल्म के होते थे, अब वेब सीरीज के भी हो गए हैं, सर्टनली बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभर कर आया है, व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन, क्या इस पे डूज एंड डोंट्स होने चाहिए? मुझे तो कभी भी नहीं लगता कि किसी भी चीज में डूज और डोंट्स होने चाहिए, मतलब जो एक सिस्टम होता है मुझे लगता है वो अपनी करेक्शंस खुद ही कर जाता है और बाहर से किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये मेरा मानना है। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि रूल्स हों और रूल्स को फॉलो किया जाए, मैं उनमें से नहीं हूँ, बट वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। सर्टेनली आई रिस्पेक्ट, एंड व्हाट अबाउट यू पंकज जी, क्या आपको लगता है सेंसरशिप जैसी बातें सही है या गलत है? देखिए यहाँ ये सामुदायिक व्यूइंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, सामुदायिक व्यूइंग मतलब समझ रही है, हम समूह में नहीं देखते हैं ओटीटी इंडिविजुअल प्राइवेट व्यूइंग, अकेला देखते हैं आप। तो जब सिनेमा हम समुदाय में देखते हैं तो उसके लिए सेंसर है, सर्टिफिकेट है, उसमें भी सर्टिफिकेट होता है कि यार ये किस एज ग्रुप के लोग देख पाए। यहाँ भी एक डिस्क्लेमर आता है, आई थिंक 18+ दिखा रहा है अपना मिर्जापुर, ये 18 के ऊपर है तो आप देख सकते हैं। दूसरी चीज की बतौर अभिनेता मैं खुद एक सेंसर रखता हूँ, एक मेरी भी जिम्मेदारी है सेल्फ सेंसर रखने की, क्योंकि मैं समझदार अभिनेता हूं, तो
लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कि इस सेंसर ना होने की कुछ लोग कुछ फिल्म मेकर्स या कुछ स्टोरी टेलर नजायज फायदा भी उठा सकते हैं। आप जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखेंगे जहां की अजीब अजीब किस्म की कहानियां हैं, तो बड़ा रिस्की मामला है। लेकिन मेरा मानना है कि बतौर जिम्मेदार एक्टर अभिनेता एक सेल्फ सेंसर तो हम रखते ही हैं, बट सेम टाइम बाकी दूसरे रखे ना रखे इसकी गारंटी तो नहीं ले सकता। आप तीनों से आप जानना चाहूंगी कि इतने पावर हाउस ऑफ टैलेंट अब मुझे कहाँ कहाँ देखना मिल सकते हैं, दर्शक कहाँ कहाँ आपके दर्शन लाभ ले सकते हैं। रसिका आपसे शुरू कर देते हैं, आप व्हाट्स नेक्स्ट? पंकज त्रिपाठी तो हर जगह है और अच्छा है कि हर जगह है। मैं तो जितना उनका काम देखूं मुझे लगता है कम है, मैं और देख सकती हूँ हर सीजन में पंकज त्रिपाठी अभी भी आपका कह दिया गया है कि भाई ये स्वर्ग सुधार में पंकज जी का अभी भी बचा हुआ है। पंकज जी एक लंबी सी लिस्ट निकाली है ऐसे। हाँ, देखो पेन पेपर लेके बैठो। अमेजोन प्राइम की बात चल रही है अभी मिर्जापुर का, और नेटफ्लिक्स वाले रोज मैसेज भेज रहे हैं कि हमारे लूडो तो अब उसके बाद वो भी आना है। तो बात काफी कुछ है, उसके बाद दिसंबर में हॉटस्टार पे आ जाऊंगा। मैं भी आ रहा हूँ सर दिसंबर में हॉटस्टार पे, मजा आएगा। बहुत बढ़िया, दोनों भाई वहाँ मिलेंगे। फर्स्ट जॉब मेरी जाएगी। यस सबकी पब्लिसिटी हो जाएगी। अभी अमेजोन प्राइम के लिए लॉयल है और मिर्जापुर लॉयल्टी के बारे में है कि किसी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो हम सब अभी अमेजोन के आदमी है फिलहाल। बिना किसी के लिए लॉयल नहीं है, वो सिर्फ अपना देखती है। कालीन भैया को किसी ने नहीं, मतलब बीना ने औरतों ने मारा है, एक बीना ने और दूसरी जो है माधुरी ने। ये अमेजोन कहीं ना कहीं हमारा मिर्जापुर ये साबित करता है कि औरतों की सत्ता मजबूत हुई है और उन्होंने मर्दों को पछाड़ा है, ये इस सीरीज की इस पार्ट में गया है एक बार। जी जी जी, लड़की के चक्कर में बड़े त्यागी भी चलते रहे। अच्छा देखो देखिये, ये तो गोलू गुप्ता जी की दुनिया में गोल हो गए। चलिए, आप सभी से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। चाहेंगे कि बहुत ही जल्द जब आपका नेक्स्ट सीजन आ जाए, जो कि दर्शक चाहते हैं कि आ जाए, वो उसमें हम एक बार फिर से मिले। शुक्रिया।